हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। रिसेंटली दीपांशी ने बहुत पहले ही मेरे साथ 40 kg डाउन कर लिया था। उनका ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट पेंडिंग था, मेरे को लगा कि मैं उनके बर्थडे पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कर दूंगी, बट वो भी निकल गया। सो बहुत सारा टाइम निकल गया, वो मेंटेनेंस पे है एंड काफ़ी लंबे समय से वो मेंटेन भी कर रही हैं अपनी जर्नी को, एंड मुझे लगा कि अब मैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करती हूँ। दीपांशी ने 40 kg डाउन किया था इन जस्ट फ्यू मंथ्स, एंड वहाँ पे मैं अपने बाकी मेंबर्स का भी वेट लॉस जर्नी देख रही थी। कुछ लोग तो बिल्कुल चकदे फटे करके एकदम जल्दी जल्दी अपना वेट लॉस जर्नी कवर कर लेते हैं, एंड उसके बाद वो फटाफट मेंटेनेंस पे भी जाते हैं क्योंकि उनको खाना भी चाहिए, उनको बाकी भी लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है। वहीं पे मैंने बहुत सारे मेंबर्स मेरे बैच में भी और बहुत सारे लोग मैंने दुनिया में भी एंड बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने वेट लॉस की जर्नी को बहुत ज़्यादा पुश करते रहते, लंबा चलाते रहते, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, अभी और टाइम है, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। इस तरीके के मेंबर्स जो हैं उनका जर्नी 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल में भी कवर नहीं होता। रिसेंटली मेरे बैच में एक मेंबर ज्वाइन हुई है, वो मेरे फर्स्ट मीटअप में मैंने जब उनसे मिली थी 2017 में, वो तब भी वैसे थे, आज 2023 है, वो अब और मोटे हैं। तो मतलब कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 7 साल में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मतलब 7 ईयर्स लग गए, बंदा 7 महीनों में अपनी जर्नी कवर कर लेता है अगर किसी को 100 किलो 130 किलो से नीचे आना होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स कि दीपांशी का कैसे वेट लॉस हुआ, बाकी मेरे मेंबर्स का 40 kg, 50 kg, 60 kg डाउन हो जाता है इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड कुछ लोग इस तरीके से होते हैं जिनका वेट लॉस नहीं गिर रहा होता, बहुत कुछ करने के बाद भी, बहुत चीज़ें होने के बाद भी आप अपने आप को फोकस नहीं रख पाते। नाउ हम सारे ह्यूमंस हैं एंड मैं भी ये मिस्टेक करती हूँ, काफ़ी बारी करती हूँ, एंड दो मेरे को लूज़ नहीं करना, मुझे हार्डली 1-2 किलो का मैं गेम खेलती रहती हूँ कि 3 किलो बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया, वो वहाँ पे मैं मेंटेनेंस करना जानती हूँ, मुझे की पता है। बट जो लोग 100 पे हैं, 90 पे हैं, 80 पे हैं, 70 पे हैं, दे रियली वॉन्ट टू लूज़ वेट, बट बहुत लंबा समय चला जाता है और लूज़ नहीं हो पाता और चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके रीज़न्स क्या है, कहाँ पे चीज़ें लैक होती है, कैसे चीज़ें गड़बड़ होती है, कहाँ पे आप लोग नहीं कर पाते। सो सबसे पहले मैं दीपांशी से बात कराऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी आपके टॉप 5 रीजंस व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट, जबकि आप सब कुछ अपनी डाइट में प्रॉपरली कर रहे हो। सो सबसे पहले हम सुनते हैं दीपांशी को एंड उसके बाद मैं मिलती हूँ आपके टॉप 5 रीजंस के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपांशी एंड आई एम 24 years old, एंड आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी विद सुमंदी ऑन 17 January 2022, एंड बिफोर जॉइनिंग दैट जर्नी एंड बिफोर जॉइनिंग माय डाइट प्लान्स विद सुमंदी, माय वेट इज 92 kilos, एंड बट बिफोर दैट आई हैव आल्सो लूज 4 to 5 kilos बाय वॉचिंग द वीडियोज on Sumandi's channel, but I am unable to do it regularly, so that's why I decided to join her. So मैंने decide किया कि मैं सुमंदी को है जो वो join करूँगी उनकी proper instructions के साथ ही है जो मैं अपनी weight loss journey है जो वो करूँगी। मैं काफ़ी time से है जो ये चीज़ें सोच रही थी कि मुझे सुमंदी को join करना है, उनकी YouTube videos पर उनको follow करती, उनके transformations देखती, उनके Instagram पे उनके clients की transformation देखती, तो काफ़ी मोटिवेट होती कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं मतलब सुमंदी को ही चूज़ करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। सो मैंने इनको मैसेज किया, मेल किया इनको, तो मैंने इनका मेल है जो वो मुझे अप्रॉक्स 1 month के अंदर अंदर मुझे इनका मेल आ गया था, तो उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है सारा कम्प्लीटली स्टार्ट हुआ। इन्होंने मुझे कॉल किया, प्रॉपर मेरे से सारी मेरी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, सारा मेरा लाइफस्टाइल के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कब कितने बजे उठती हूँ, क्या ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्या लंच लेती हूँ, हर एक चीज़ इन्होंने मुझसे डिटेल में पूछी। फॉर जॉइनिंग दैट आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज, आई हैव नॉट दैट गुड स्किन एंड एज आई हैव सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस एंड इट्स डार्क मार्क्स एज वेल, एंड आई हैव ऑल्सो डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड विटामिन D3 एज वेल। बिकॉज ऑफ दीज डेफिशिएंसीज आई एम फेसिंग लॉट ऑफ इशू ऑफ माई हेयर फॉल्स, माई हेयर वॉज नॉट दैट गुड, इवन नॉट माई स्किन, सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन हर। एंड जब मैंने सुमंदी को ज्वाइन किया सो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। शी सेड कि मेरे को लगता था कि मैं इतना वेट है जो वो लूज़ नहीं कर पाऊँगी, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकती हो, अभी आपकी एज ही बहुत कम है। तो मैंने तो ये सोचा था कि मैं कभी भी इतना लूज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल भी लाइक है ना, हमें सब बोलते हैं कि तुम अच्छी दिखती हो, क्यूट दिखती हो, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी दिखती हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो किसी को भी ऐसा भी बिल्कुल भी फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल वो जस्ट आपको हर्ट नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स। सो बट हम सबको पता होता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं बिकॉज वी कांट वेयर अवर फेवरेट क्लोथ्स, सो
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मैं अपने फेवरेट क्लोथ्स नहीं पहन सकती थी, आई हैव टू ऑलवेज वियर सूट्स, लाइक आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड इन वेस्टर्न्स. सो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा था कि मैं वेस्टर्न पहनना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत क्रेज़ था इन सारी चीज़ों का, बट आई कांट. बट सुमंदी को ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे जो सारे ड्रीम्स थे आई कैन टोटली फुलफिल दम. एंड उन्होंने मेरे बहुत मुझे पूरी जर्नी में बहुत मोटिवेट किया है. लाइक कई बार ऐसा होता है आपको फील होता है कि नहीं मुझे मैं नहीं कर पाऊँगी, बट नहीं, शी मोटिवेट्स मी दैट आई कैन डू इट. तो मेरे पास जितनी भी लाइक प्रॉब्लम्स थी, विटामिन D3 था, उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया, डाइट प्लान इस तरह से बनाकर दिया कि मैं कभी भी बोर फील ना करूं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपकी जर्नी है जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, काफ़ी देर तक चलती है, तो आप जर्नी करते करते बोर आ जाते हो. तो वो हमेशा ऐसा ही ट्राई करती थी कि मैं कभी भी बोर ना हूँ, अपने खाने से बोर ना हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू देना. एंड वेन आवर आई पुट स्ट्रीक्स लाइक ऑन स्नैपचैट, तो मेरे फ्रेंड्स भी है जो वो मेरी स्टोरीज देखकर काफ़ी खुश होते थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते थे मेरे, मतलब पिक्चर्स देखकर खाने की. तो उनकी डाइट फॉलो करने के बाद आई हैव इम्प्रूव अप द लॉट एंड माई स्किन, मेरी स्किन है जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुई है. एंड इवन माई हेयर फॉल इज़ मिनिमाइज, मेरा हेयर फॉल है वो भी है जो वो काफ़ी कम हो गया है. तो मेरे को पहले हेयर फॉल का भी दिक्कत था, क्योंकि हमारा आयरन जब राइट कम रहता है तो ऑब्वियसली वी आर फेसिंग द इशू ऑफ हेयर फॉल. सो उन्होंने मुझे एक प्रॉपर वे से है जो वो डाइट फॉलो करवाया, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ बताया कि यू हैव टू टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. सो मैंने उनकी ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन है जो वो फॉलो की है, तभी मैं आज अपने ड्रीम वेट पर आ पाई हूँ, सिर्फ उनकी वजह से. जब भी कोई इशू आता था किसी भी डाइट को फॉलो करने में या कोई मील को फॉलो करने में, तो शी इज़ ऑलवेज देयर. वो हमेशा उस इशू को है जो वो समझती थी अच्छे से और हर इशू को सॉल्व करती थी. और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दी ने कभी कोई कॉल पिक नहीं किया. जब भी मैं उन्हें कॉल करती थी उनका आंसर ज़रूर आता था और वो हर एक इशू को अच्छे से सॉल्व कर देती थी. और कई बार ऐसा भी हुआ जर्नी के दौरान, कई बार बाहर जाना पड़ता था, तो सीरियसली बताऊँ तो मुझे डर लगता था दी से पूछने के लिए उनका स्ट्रिक्ट बिहेव देख कर कि शायद वो मुझे बाहर जाने ना दें, वो रुकेंगे कि जर्नी चल रहा है. बट नो, शी हैज़ सच अ वेरी काइंड हार्ट. ये कोई मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ उनकी, बट ये बात सच है कि वो उन काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं. वो हर एक इशू को समझती हैं, हर एक प्रॉब्लम को समझती हैं. तो उन्होंने मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुमने ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये कुछ चीज़ें साथ लेकर चलनी हैं. तो मैंने उनकी हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से फॉलो किया है. 7 to 8 hours का स्लीप जैसे वो बोलती हैं वो प्रॉपर रखा है अपना. सो और इस सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद मैं आज अपने ड्रीम वेट पर हूँ. माई वेट इज़ 55 टुडे. सो मेरा इंच लॉस है वो भी काफ़ी हुआ है. बिफोर स्टार्टिंग दैट जर्नी आई एम वेयरिंग द लाइक 3 to 4 XL इवन. सो नाउ आई एम ऑन एम साइज. अभी मैं एम है जो वो वेयर कर रही हूँ. इंच लॉस है जो वो हुआ है इवन फ्रॉम माई फिंगर्स. मेरी फिंगर से भी है काफ़ी इंच लॉस हुआ है. मेरे रिंग्स के साइजेस भी है जो वो इवन बहुत लूज हो गए थे. सो एंड इवन कि मेरे पैरों से भी इतना फैट है जो वो लूज़ हुआ है कि मेरे पैरों की चप्पल का साइज भी, फुटवेयर का साइज भी है जो वो बहुत कम हो गया है. लाइक अर्लियर आई एम वेयरिंग 7 बट राइट नाउ आई एम वेयरिंग 5. सो हर एक बॉडी पार्ट से है जो वो काफ़ी इंचेस है लूज हुए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव यू इन माई लाइफ एज एन एंजल. यू आर जस्ट लाइक एन एंजल फॉर मी. रियली रियली थैंकफुल टू यू सुमंदी. अगर आप ना होती तो शायद मैं कभी भी इतना वेट लॉस है जो वो नहीं कर पाती. सो थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्रेटफुल. सो आई एम रियली होप कि दैट आई विल मेंटेन माई वेट टिल द एंड ऑफ माई life, as you are always there to guide me further whenever I face any problem. You are always there. So that's all about me and thank you. I love you a lot. Welcome back ji. So first and the foremost reasons hai aapke aas paas ke surrounding ke negative log. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको सर्कल कुछ इस तरीके का बना होता है, जो कि अल्कोहलिक होते हैं, जो कि खाना पीना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनके साथ आपकी वाइफ मैच नहीं हो रही, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी आपको उस सर्कल में जाना पड़ता है. उनके साथ खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है. दो आप 10 दिन की डाइट पे हो, 15 दिन की डाइट पे हो, बट 16th day वो आपको इन्वाइट करते हैं कहीं ना कहीं, एंड आपको सर्कल सोसाइटी के चक्कर में वहाँ पर जाना पड़ता है और आपको खाना भी पड़ता है. फिर वापस आते हो, बॉडी ना अपने आप को रेडी करती है कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है. आपके हार्मोन्स अपने आप को रेडी करते हैं हमें वेट लॉस करना है. आपके माइंड अपने आप को प्रिपेयर करता है कि इतना ही खाना मिलेगा और इससे वेट लॉस करना है. बट
एक बारी की गड़बड़ आपको 10 से 15 दिन पीछे खींच देती है। फिर आप जितने में अपने आप को तैयार करते हो कि मुझे वेट लॉस करना है, आगे चलते हो, दोबारा से हार्मोन्स को रेडी करते हो, बॉडी को रेडी करते हो, एक और गैदरिंग आ जाती है। सो सबसे पहली चीज़, जहाँ आपकी वाइफ मैच नहीं हो रही, जहाँ आपको हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं मिल रहे, या फिर जहाँ पे आपको नेगेटिव लोग मिल रहे हैं कि खा लो, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, आज तो चल ही सकता है, कल तो चल ही सकता है, ऐसे लोगों से आप टाटा बाय बाय कर दो जो आपको ज़बरदस्ती खिलाने और पिलाने के चक्कर में रहते हैं। नंबर टू, आपके स्लीपिंग पैटर्न। नाउ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को शेर का बच्चा समझते हैं। मैं भी समझती थी कि हम 3 घंटे की नींद पे सरवाइव कर लेंगे, 2 घंटे की नींद पे जी लेंगे, 4 घंटे की नींद पे जी लेंगे, परंतु जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका वर्कलोड बढ़ेगा, जिस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल आगे चलेगी, आप अपनी बॉडी को तोड़ते रहोगे, नींद नहीं दोगे, आपका वजन कतई नहीं गिरेगा। बहुत सारे लोग होते हैं नेटफ्लिक्स नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे लोग होते हैं अपना वर्कहॉलिक होते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास अपनी 7 घंटे की नींद का समय होना ही होना चाहिए। इनकेस आपकी 7 आवर्स का नींद नहीं है, आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपका वजन गिरेगा। जहाँ पे आप हर चीज़ को प्रायोरिटी देके चलते हो, आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी दो। नंबर थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। फीमेल्स हम लोग क्या करते हैं कि पहले घर सफाई कर लें, पहले हस्बैंड को खाना दे दें, बच्चों को खाना दे दें, घर पे सबको खाना खिला दें, उसके बाद हम खा लेंगे, पहले ये हो जाए उसके बाद हम खा लेंगे। जब तक आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव नहीं देंगे, आपकी बॉडी आपका साथ बिल्कुल नहीं देगी। आपकी बॉडी आपका साथ तब देगी जब आप उसकी केयर करोगे। अगर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल केयरलेस कर रहे हो, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी बॉडी बिल्कुल बलून की तरह फूल जाएगी और वो आपको वियर्ड सिचुएशन देगी। नंबर फोर, आप जितना मेंटल लेवल को आप बिल्कुल बस्ट आउट करोगे, जितना अपना ज्ञानबाजी लगाओगे, जितना अपना ध्यान इधर उधर चीज़ों में भटकाओगे, वहाँ पे आपका वजन गिरना बंद हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी टेल्स यू कि ये चीज़ इतने बजे यहाँ पे ये खानी है, अच्छा उसकी जगह तो हम वो भी खा सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड पूरे दिन की कैलरी काउंट्स हैं और उसके हिसाब से आपका पूरा चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे भी बंदा अपना दिमाग लगा लेता है, या फिर आप मिड ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग टी की जो पील टीज होती हैं, या फिर कोई भी हर्ब्स टीज होती हैं, या फिर सीड्स टीज होती हैं, आप अगर उसको बिल्कुल अपनी डाइट में अवॉइड करके चल रहे हो कि ये जस्ट पानी है, ये क्या कर लेगा, जाने मन यही सब कुछ करेंगे और इनसे ही आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट चीज़ें, जो लोग वाइट्स अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रखते हैं, शुगर, सॉल्ट, डेरी, आपका वीट, जो जो लोग ये चीज़ अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में रखते हैं कि मील स्किप कर देंगे एंड शुगर का इंटेक कर लेंगे, थोड़ा सा एक चॉकलेट ले लिया एनर्जी के लिए, नो डाउट शुगर बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फास्टिंग करते हैं बट उसके बीच में थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं जब एनर्जी डाउन हो रही होती है। जो लोग लंबे समय तक बिल्कुल लो डाइट पे रहते हैं, क्रैश डाइट पे रहते हैं, उनकी बॉडी में इतनी मैसिव डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। अब एक काफ़ी केसेस हैं मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कुछ केसेस ऐसे हैं जो मेरी डाइट लेके गए, वेट लॉस कर लिया, उसके बाद वो ऑन ऑफ खा भी बहुत रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा खाया ना, बहुत ज़्यादा खाती है वो, खाने के बाद ना उसने लूज मोशंस की गोलियाँ ले ली, ना लूज मोशंस की गोली ले ली, अगले दिन लूज मोशंस हो गए, फिर वेट अपना बैलेंस हो गया जी पूरा, वो ऐसे करके अपने आप को मेंटेन कर रही थी, फिर क्रैश डाइट पे आ जाती थी वो, फिर वीक में 2 बार फिर वो छिक्के खा लेती थी, तो इस तरीके से कर करके उनकी बॉडी में इतने मैसिव डेफिशिएंसीज आई हैं, प्रोटीन्स कम है उनकी बॉडी में, विटामिन मिनरल्स सब कुछ कम है, एंड शी अगेन गेन हर वेट, और वो भी पहले से बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके के जो गेम अपनी बॉडी के साथ खेलते हैं ना, वो बिल्कुल ख़तरनाक है, और अब उनको लूज करने में उससे ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, बॉडी को उस वाली लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है कि मेरे को क्रैश पे करो या फिर मुझे खाना इस तरीके से दो। सो अपनी बॉडी के साथ गेम नहीं खेलने का, आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल लेके चलनी है। मैं 6 दिन बहुत हेल्दी खाती हूँ, 3 टाइम की मील लेती हूँ, बहुत हेल्दी खाती हूँ, संडे इज़ माई डे, बट चीटिंग करने के लिए भी मैं बहुत सोच समझ के चीट करती हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है। आप जो खाते हो वो आपके शरीर पे, आपके फेस पे बहुत ईजिली से दिखता है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे दिखता है, आप घी एक्सेस में लोगे या लाइक ऑयल बहुत ज़्यादा लोगे, बहुत ज़्यादा ऑयली खाओगे तो सेलुलाइट फैट आपको अलग से ही दिखने लग जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर।
आप अच्छे से पानी पी रहे हो, आपकी स्किन बहुत क्लियर दिखेगी, आप ग्लो करोगे अच्छे से, कोई एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन कुछ नहीं आएगा। और अगर आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आपको एजिंग की, रिंकल्स की, पिगमेंटेशन की, स्किन रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो हमारा मुद्दा क्या है कि हमको अपना ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड इस तरीके से चलता है, ये जो दुनिया इस तरीके से काम करती है। आप अच्छे दिखोगे, आप अच्छा कमाओगे, आप अच्छा खाओगे, आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, आप किसी को भी जीत सकते हो। बट जहाँ पे आप फैल गए कि आओ जी मेरे लिए करो, तो नोबडी आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। आपको सब कुछ खुद अपने लिए करना है, बट मेक श्योर कि आप अपने लिए पहले करो। बहुत सारे लोग हैं न्यू रिलेशनशिप में आते हैं फैल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं प्यार में बढ़ते हैं फैल जाते हैं, मैरिज होने के बाद सब कुछ क्विट कर देते हैं। बट ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देके चलेंगे, आप अपने आप की सबसे पहले सेल्फ केयर करेंगे, अपना आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, है ना। आपकी वॉक, आपका टॉक, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, कोई भी पर्सन होगा ऐसा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, नो डाउट। उसके लिए हम फेस पे काफ़ी बारी बोला जाता है कि ओ सूख गई आँखों, आँखें अंदर गड़ गई, डार्क सर्कल हो गए, ओ माई गॉड ये कुछ खाती नहीं है, ये कुछ पीती नहीं है। इट मीन्स, सिंपल मीन्स, उनको आपके उस डिसिप्लिन से प्रॉब्लम हो रही है। आप ठीक दिख रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप सामने वाले को देखो जो आपको ये चीज़ें बोल रहा है, माइट भी वो बहुत ज़्यादा मोटा है और वो आपके जैसे डिसिप्लिन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो यू नो एक ह्यूमन नेचर, उस वजह से आपको कुछ टॉन्ट चल रही है। सो मेक श्योर कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखो। कोई भी बंदा है वो 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो बहुत आराम से लूज़ कर सकता है, मतलब बहुत बहुत आराम से। ये आपके हाथ का गेम है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे या नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, वो डिपेंड करता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली यूज़फुल। जो जो लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो जो लोग अपने बॉडी के साथ गेम खेल रहे हैं, या जो लोग अपने साथ बिल्कुल अच्छा से नहीं ट्रीट कर रहे अपनी बॉडी को, सो या मतलब कि खड़े हो और अपना ध्यान रखो और अपनी फिगर बनाओ। आपका फिगर अच्छा है, आपका करियर अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अच्छी चीज़ों से दुनिया को टैकल कर सकते हैं। सो या दैट्स इट, एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जिसमें मैं दीपांशी का प्रॉपर डाइट प्लान लेके आऊँगी। सो या थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, बाय बाय।